हेलो का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश TGTPGT, बिहार TGTPGT, झारखंड TGTPGT, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, साथ ही साथ उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड LT, UGC नेट, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। और देखिए, अलग अलग बैच हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। चाहे बात करें उत्तर प्रदेश TGTPGT, बिहार TGTPGT, झारखंड, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो भैया अलग अलग बैच आपके लिए है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। एटलीस्ट 40 मिनट से एक घंटे रोज नोट्स पढ़ने की आदत डालिए। डजेंट मैटर कि वो टॉपिक आपको आता है कि नहीं आता है, इससे जो भूलने वाली समस्या होती है वो खत्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम दे करके आते हैं तो कहते हैं कि सर, बहुत सारे प्रश्न तो आसान थे लेकिन फिर भी क्या हुआ, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो जब आप टेस्ट सीरीज दे करके जाते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि प्रश्न कहाँ से गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा एवं बैंकिंग, समष्टि या व्यष्टि, कहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहाँ से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं, आप उसको उस टॉपिक को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। और दोस्तों, आपका यहाँ पे करेंट भी कवर कराया जाता है। सब कुछ कवर कराना दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है। अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहेंगे और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको अलग से कुछ भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एडमिशन ओपन है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। इट मीन्स एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो फिर आने वाली जो भी वैकेंसी है उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, एडमिशन के दो तरीके हैं। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं वहाँ से, या जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जब आप अपना फीस इस नंबर पे पेमेंट कर देंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आप सुचारू रूप से क्लास कर सकते हैं। लाइव क्लास होती है, बाद में इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। अगर जो आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि उत्तर प्रदेश TGTPGT और बिहार TGTPGT के लिए बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो गया है। तो जो लोग भी अभी तक उत्तर प्रदेश TGTPGT या बिहार TGTPGT के लिए एडमिशन नहीं लिए हैं, वो यथाशीघ्र ले सकते हैं। बाकी आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अलग अलग बैच उपलब्ध हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ये बताइए कि जब दो या अधिक देश के बीच व्यापार होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं। भैया, ये तो आसान सा प्रश्न आ गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं ना, कि जब एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि भारत चीन से व्यापार कर रहा है, भारत अमेरिका से व्यापार कर रहा है, भारत इंग्लैंड से व्यापार कर रहा है, भारत कनाडा से व्यापार कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि
ये भारत क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है। अगर जो हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाकर के बेचते हैं, या दूसरे देश में निर्मित वस्तुएं हमारे देश में आके बिकती है, तो इसी को ही तो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और एक एक बात और याद रखिएगा कि ये हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और दूसरा क्या होता है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो आप जानते हैं, लेकिन अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी क्या होता है कि देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, व्यापार होता है। जैसे आप देखते हैं, अगर जो आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से या बिहार से, तो जो सेब हैं वो कहाँ से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जब व्यापार, एक किसी देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब व्यापार होता है तो उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं, और अगर जो देश के बाहर व्यापार हो रहा है तो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में असंतुलित विकास की नीति कब अपनाई गई। असंतुलित विकास, असंतुलित विकास की अवधारणा किसने दिया था भैया, असंतुलित विकास की अवधारणा किसने दिया था, हर्षमैन ने दिया था। किसने दिया था, हर्षमैन ने दिया था। और अगर जो आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं या ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए, है ना। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में देखने को मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो भारत में असंतुलित विकास की रणनीति कब अपनाई गई थी, तो देखिए असंतुलित विकास की अवधारणा किसने दिया था, हर्षमैन ने दिया था। और इसे बहुत ही आसान भाषा में समझा जाए तो हर्षमैन ने कहा कि भैया जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से आपको निवेश नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि भारत में क्या है, तीन क्षेत्र है ना, प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जिसमें कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र है जिसमें उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र है जिसमें सेवा आता है। तो हर्षमैन ने ये कहा कि अगर जो कृषि क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में अगर जो हम निवेश बढ़ा करके लाभ अधिकतम कर पाएंगे, तो हमें पहले प्राइमरी सेक्टर को क्या करना पड़ा करना चाहिए, निवेश बढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद जब यहाँ से लाभ हमें मिलेगा तब जाकर के हम द्वितीय सेक्टर में निवेश करेंगे, और उसके बाद दोस्तों जब यहाँ से लाभ मिलेगा तो तृतीय सेक्टर में हम क्या करेंगे कि जाके यहाँ पे निवेश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। अब ये बात अगर जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो मतलब ये है कि किसी भी राष्ट्र के पास क्या होता है दोस्तों, सीमित मुद्रा होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में निवेश की जरूरत होती है। तो हमको ऐसा लगता है अगर जो कि मान लीजिए कि हमें अभी अपने कृषि का विकास करना है, क्योंकि कृषि का विकास हुआ नहीं है, कृषि का विकास करेंगे तभी तो कच्चा माल मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा तभी तो वो द्वितीय क्षेत्र के तरफ जाएगा अर्थात उद्योग के पास जाएगा, जब उद्योग का विकास होगा तभी तो सेवा क्षेत्र का विकास होगा। तो हम अपने कच्चे माल को पहले क्या करना है हमको उत्पादित करना है, तो कृषि क्षेत्र में हम क्या करेंगे, अपने निवेश को बढ़ाएंगे। तो ये जो अवधारणा आई दोस्तों, ये द्वितीय योजना में आई थी। ये कब आई थी, ये जो आई थी, एक सेकेंड, ये कब आया था, द्वितीय योजना में। और द्वितीय योजना जो है वो किस मॉडल पे आधारित था, पीसी महल नोबिस मॉडल पे आधारित था, पीसी महल नोबिस मॉडल पे आधारित था। तो असंतुलित विकास की बात कौन करता है, हर्षमैन साहब करते हैं, और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में आपको समान रूप से निवेश नहीं करना है, जिन क्षेत्र में आपको लाभ ज्यादा मिल रहा है उस क्षेत्र में पहले निवेश करिए, फिर वहां से लाभ मिल रहा है तो बचे हुए क्षेत्र में निवेश करिए। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस विकास की नीति को अपनाई गई। और आपको याद होगा कि भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या किया गया, उसमें उद्योगों पर बहुत ध्यान दिया गया, ठीक है, उद्योगों के विकास पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, सेवा क्षेत्र पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों संतुलित विकास की बात कौन करता है, रेगनर नर्स साहब कहते हैं भैया अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से आप क्या कर लीजिए, निवेश कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है भाई, द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यह किसकी पुस्तक है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये किसकी पुस्तक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग क्या बोल रहे हैं,
प्रोफेसर सुमपीटर साहब की है, ठीक है, प्रोफेसर सुमपीटर की। और प्रोफेसर सुमपीटर ने इसी में नव प्रवर्तन की बात किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, एक जो उद्यमी होता है या एक जो व्यक्ति होता है वो क्यों लाभ कमाता है, वो लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वो नए नए आइडियाज लाता है। तो नए नए आइडियाज लाने के कारण एक उद्यमी को लाभ होता है, मतलब एक ऐसा आइडिया वो लाता है जो आज के पहले कोई नहीं लाया हो। जैसे देखिए, अगर जो उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो पहले क्या आता था, पहले फोर व्हीलर जो होता था वो बंद फोर व्हीलर आता था, बंद फोर व्हीलर आता था, आता था कि नहीं आता था। लेकिन किसी ने ये सोच लिया कि भैया अब लोग ये चाहते हैं कि फोर व्हीलर के अंदर से वो खड़ा होकर के, यहाँ पे वो खड़ा होकर के बाहर की चीजों को देखें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फोर व्हीलर में सनरूफ आने लगा, और जब सनरूफ आने लगा तो अरबों खरबों रुपए का व्यापार इसलिए हो गया क्योंकि लोग 20-20 लाख की गाड़ी, 25-25 लाख की गाड़ी अपने दरवाजे पे रखे थे। लेकिन जब सनरूफ वाला सिस्टम आ गया तो लोगों ने कहा कि भैया हमारी गाड़ी अब पुरानी हो चुकी है, इसमें सनरूफ नहीं है, पुरानी गाड़ी को हटाओ, चलो नई गाड़ी को खरीदो। तो सेम फीचर के साथ बस सनरूफ लग गया और अरबों खरबों रुपए का क्या हो गया, उससे व्यापार हो गया। तो उससे किसे लाभ हुआ, जो नव प्रवर्तक था, जिसने ये बात सोची कि भैया कार में सनरूफ दे देंगे तो फिर बहुत मजा आएगा, बहुत सारा व्यापार होगा। तो यही बात कहते हैं सुमपीटर साहब भी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई भाई, चलिए बताइए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, 1948 में। तो दोस्तों देखिए, 1948 में ही भारत ने ये स्वीकार किया कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस बात को कब स्वीकार किया गया। तो भैया ये प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत अर्थात 1948 में ही स्वीकार किया गया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, जहाँ पे सरकार और निजी पूंजीपति दोनों मिलकर के कार्य करें। जैसे रेलवे पे सरकार का अधिकार है लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां बस भी चलवा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में पाई जाती हैं, तो इसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, ये आई थी 1948 के अंतर्गत आई थी। अगला प्रश्न कि भारत में औद्योगिक वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है। जैसे कृषि वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, कृषि के वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, नाबार्ड है ना भैया, कृषि के लिए नाबार्ड जो है ये सर्वोच्च संस्था है। ये कृषि में क्या करती है, लघु अवधि के लिए अर्थात अल्पकाल के लिए क्या प्रदान करती है, ऋण प्रोवाइड करती है। वैसे ही दोस्तों उद्योगों के लिए वित्त प्रोवाइड करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं सभी लोग बी बोल रहे हैं। बी क्या है भाई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना कब होती है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब होती है, 1964 में होती है। और ये क्या करती है भैया, ये क्या करती है, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और कोई, ठीक है। तो ये दीर्घकालिक और मध्यकालिक ऋण देती है, ठीक है, ये क्या देती है, ये दीर्घकालिक, दीर्घ काल के लिए और मध्यकाल के लिए। दीर्घकाल का मतलब क्या हुआ कि 20 वर्ष या उससे ज्यादा के लिए ऋण देती है, और मध्यकाल का मतलब क्या हो गया, मध्यकाल का मतलब हो गया कि ये 5 वर्ष के लिए ऋण देती है या उससे थोड़ा सा ज्यादा के लिए, ठीक है। तो जितने लोग भी IDBI की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में वित्त प्रोवाइड करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो कृषि में नाबार्ड है। लेकिन अगर जो उद्योग की बात करें तो उद्योगों में वित्त प्रोवाइड करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसे शॉर्ट फॉर्म में IDBI बोलते हैं, और ये दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण उद्योगों को प्रोवाइड करती है। तो बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वह कृषि भूमि धारण जो 5 व्यक्तियों के परिवार को रोजगार एवं भरण पोषण देने में सक्षम है, उस भूमि को हम क्या बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक परिवार है, इस परिवार में 5 लोग हैं। एक परिवार है, इस परिवार में कितने लोग हैं, इस परिवार में 5 व्यक्ति हैं, और ये 5 व्यक्ति हैं और इस परिवार में कोई भी नौकरी करने वाला नहीं है, इस परिवार में कोई भी नौकरी करने वाला नहीं है, इस परिवार के पास ये क्या प्राप्त हुई है पूर्वजों के द्वारा, एक मान लीजिए कि 10 एकड़ की एक भूमि प्राप्त हुई है, 10 एकड़ की एक इनको भूमि मिली है और पांचों लोग मिलकर के 10 एकड़ भूमि पे क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, और जब उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन से क्या हो रहा है कि अपनी फसल तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए गेहूं या चावल उपजा रहे हैं, और फिर 10 एकड़ में क्या कर रहे हैं कि सपोज करिए कि 20 क्विंटल या 50 क्विंटल गेहूं या चावल का उत्पादन कर रहे हैं, और फिर जब उत्पादन हो जा रहा है गेहूं चावल का, तो उसका क्या कर दे रहे हैं, विक्रय कर दे रहे हैं। जब विक्रय कर दे रहे हैं तो उससे ये क्या प्राप्त कर पा रहे हैं, आय प्राप्त कर रहे हैं, और यही आय, इसी आय से ये पूरा परिवार अपना भरण पोषण कर रहा है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर रहा है। तो इस प्रकार की भूमि को हम क्या बोलेंगे भैया, इस प्रकार की भूमि को हम क्या बोलेंगे, तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे भैया आर्थिक भूमि धारण। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मतलब इस भूमि से आप पैसे का उपार्जन कर रहे हैं और अपने भूमि अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार प्रत्याभूमि कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार प्रत्याभूमि कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बी बोल रहे हैं 15 अगस्त 1983 में, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 15 अगस्त 1983 में। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया, इसका उद्देश्य क्या रखा गया राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण इलाके में जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को क्या किया जाए, रोजगार गारंटी प्रदान किया जाए, रोजगार गारंटी प्रदान किया जाए। ठीक है, प्रदान किया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आवश्यकता का अर्थ है, आवश्यकता क्या होता है भैया, आवश्यकता क्या होता है, ये प्रश्न बार बार इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है कि आवश्यकता क्या होती है या मांग क्या होता है, मांग और आवश्यकता में अंतर है। ठीक है, तो अगर जो हम मांग किसे कहेंगे, हम किसे कहेंगे कि मांग कब होगा, तो मांग होने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। किसी वस्तु की मांग आप कब कर सकते हैं, पहली तो आपके पास उस वस्तु को क्रय करने की इच्छा हो, ठीक है, दूसरी बात क्या हो कि आपके पास क्रय शक्ति मतलब उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा होनी चाहिए, और तीसरा बात क्या हो जाएगा कि तत्परता, ठीक है, तत्परता। तो ये तब जाकर के आप मांग कर पाएंगे किसी वस्तु की। जैसे हम कब कहेंगे कि आप मान लीजिए कि एक कार आपको खरीदना है, तो कार खरीदना आपकी मांग कब होगी, तो मांग ये तब होगी जब आपके अंदर इच्छा होगी, चाहेंगे कि भैया हमारे पास भी एक कार होना चाहिए। लेकिन कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए,
तो 10 लाख रुपए भी आपके पास होने चाहिए। अगर जो 10 लाख रुपए आपके पास नहीं है तो ये मांग नहीं होगा। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, आपको इच्छा होनी चाहिए कि कार खरीदना है, दूसरा आपके पास पैसा होना चाहिए, और तीसरा तत्परता होनी चाहिए कि भैया जेब में पैसा है तो अब ये पैसा लेकर के हम कार के शोरूम में जाएंगे और वहां से कार को खरीदेंगे, तब जाकर के कोई वस्तु आपकी मांग बनेगी। अर्थात मांग के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को क्रय करने की क्रय शक्ति, और वस्तु को प्राप्त करने की तत्परता। ये तीनों बात अगर जो एक जगह पे इकट्ठा होगी तभी हम कहेंगे कि क्या होगा, मांग होगा। लेकिन आवश्यकता का अर्थ क्या होता है भैया, आवश्यकता का अर्थ क्या होगा, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी जितने लोग भी बोल रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर कैसे आवश्यकता का अर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो फिर आवश्यकता का अर्थ होता क्या है, तो आवश्यकता के लिए इच्छा का होना जरूरी है। ठीक है, आवश्यकता किसी वस्तु की आपको आवश्यकता है, इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, उस वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर जो इसमें इच्छा शब्द का इस्तेमाल दिया होता तब जाकर के ये प्रश्न क्या होता दोस्तों, सही होता, लेकिन ये इच्छा नहीं दिया है तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आवश्यकता का अर्थ क्या होता है, इच्छा होता है, और आवश्यकता और मांग में अंतर होता है। मांग 3 तत्वों से मिलकर के बना है कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपके पास इच्छा होनी चाहिए कि ये वस्तु हमको परचेज करना है, उसके बाद आपके पास क्रय शक्ति होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, और उसके बाद जब पैसा है तो पैसा जेब में तो है ना या घर में है ना, तो पैसा को आप क्या करेंगे कि मार्केट में ले जाएंगे। ठीक है, यानी आप तत्पर हैं, तब जाकर के इन तीनों चीजें मिलेंगी, तब जाकर आप कहेंगे कि आप इस वस्तु की मांग कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो आप उस वस्तु की मांग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा ठीक है, कि निम्नलिखित में से अधिक की लोच कौन है, मतलब सबसे ज्यादा लोच वाली कौन सी वस्तुएं होती हैं, ये बेसिकली ये पूछ रहा है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, सुमन शर्मा जी, एंजल जी, नीतू कश्यप जी, इकोनॉमिक्स जी, ममता कुमारी जी, सूरज प्रजापति जी, नेहा राय जी, जावेद अख्तर जी, ठीक है, रत्नेश कुमार जी, राजन सिंह जी, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पलक उपाध्याय जी, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं क्या, सभी लोग बी बोल रहे हैं कि सर जी लोच जो होती है वो अस्थापन वस्तु की लोच क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अस्थापन वस्तु मतलब क्या होता है, जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया, ठीक है, इट मीन्स कि अगर जो चाय की कीमतें बढ़ जाएंगी, अगर जो चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, चाय की मांग को कम कर देंगे और कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे, ठीक है, इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो अस्थापन वस्तुओं की लोच क्या होती है, अधिक होती है, और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की लोच कैसी होती है सर, वो अनंत होती है। स्वतंत्र वस्तुओं की लोच कैसी होती है, जीरो होती है। विलासिता की वस्तु, ठीक है, विलासिता की वस्तुओं के लिए लोच कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। उसके बाद पूरक वस्तुओं के लिए लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो जितने लोग पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक कैसे होती है, जैसे ये कार हो गया और ये हो गया पेट्रोल, तो अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि होती है, कार की कीमत बढ़ती है, तो इसकी मांग कम हो जाएगी, और जब इसकी मांग कम हो जाएगी तो जब कारें नहीं रहेगा तो पेट्रोल कहाँ से खरीदेंगे भैया, तो पेट्रोल की भी मांग कम हो जाती है, तो इसलिए इसके लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, अस्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उसके बाद स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। विलासिता की वस्तु और समान वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। एक प्रश्न पक्का 100% आपके पेपर में यहां से पूछा जाएगा।
एक प्रश्न पक्का 100% आपके पेपर में यहां से पूछा जाएगा, ये जो 4-5 मैंने आपको बोला है ना। अगला, जब कीमत बढ़ती है और मांग वही रहता है तब ये क्या कहलाता है? जब कीमत बढ़ जाए और आपकी मांग स्थिर रहे तब इसे हम क्या बोलते हैं सर? तब इसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों एकदम दम लगा दीजिए, बिना मेहनत और बिना त्याग के जिंदगी में किसी को कुछ मिला नहीं। और अगर जो आप मेहनत और त्याग नहीं कर रहे हैं तो जिंदगी निरर्थक हो जाएगी, है ना। और मेहनत और त्याग कर रहे हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। अगर जो आप खुद से मेहनत कर रहे हैं और धैर्य बना करके मेहनत कर रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो, और अगर जो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भैया बस सपने देखते रहिए कि कल हम ऐसे हो जाएंगे, परसों हम ऐसे हो जाएंगे। आज की जो स्थिति है इससे भी बुरी स्थिति आ जाएगी अगर जो आज बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे, आज बेहतर तरीके से अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो। चलिए क्या उत्तर आ रहा भैया, कि जब कीमतें बढ़ती हैं और मांग वही रहता है तब ये क्या कहलाएगा? आप सभी लोग बोलिए ना कि सर जी मांग में संकुचन हो जाएगा। आप तो कई बार बताए हैं कि ये मांग में संकुचन हो जाएगा, मतलब कीमतें बढ़ गई। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये था, 100 रुपये में वो 10 वस्तुएं परचेज कर रहा था, यानी 100 रुपये किसी व्यक्ति के पास है, मतलब व्यक्ति की आय 100 रुपये है और प्रत्येक वस्तु 10 रुपये की है। तो ऐसी स्थिति में वो 10 वस्तुओं को परचेज कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी उसकी आय वही है, उसकी आय वही है और कीमत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, कीमत अब 20 रुपया हो गया। तो ऐसी स्थिति में 5 वस्तु तो परचेज कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मांग में क्या आ रही है, कमी आ गई, अर्थात संकुचन आ रहा है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कुल उपयोगिता वक्र का आकार कैसा होता है? कुल उपयोगिता वक्र क्या होता है भाई? कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो इकोनॉमिक्स की गहराई को समझते हैं तो ये प्रश्न सॉल्व करके आपको मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, आनंद आ जाएगा। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, आनंद आएगा कि नहीं आएगा बताइए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या होता है भाई, पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अगर जो पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से ये बात जानते होंगे। कुछ इसी तरीके से तो होता है ना, कुछ इसी तरीके से तो होता है ना, टीयू वक्र किसी कुछ इसी तरीके से होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो ये वक्र क्या दिखा रहा है, ये पहले उठ रहा है और फिर क्या हो रहा है, गिर रहा है। और यहाँ पे क्या, क्यों गिर रहा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण गिर रहा है, जो क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उपयोगिता कम होने लगती है तो जब वस्तु आपके लिए उपयोगी होगा ही नहीं तो आप उसकी मांग को कम कर देंगे, और जब मांग कम करने लगेंगे तो ये वक्र क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूर्ण सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया, उसके बाद आप अपनी मांग को नहीं बढ़ाएंगे। अर्थात आपको अगर जो प्यास लगी है तो 1 गिलास पानी पिए, 2 गिलास पानी पिए, 3 गिलास पानी पिए, ठीक है 4 गिलास पानी पिए, मैक्सिमम 4 गिलास पानी पीने के बाद अब आपकी प्यास बुझ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब आप पानी के ग्लास की डिमांड नहीं करेंगे, अर्थात पानी की मांग में कमी कर देंगे, इसीलिए अब ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक बोल, ठीक है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ क्या होता है? एक उपभोक्ता, आप अपना बताइए, आप भी तो उपभोक्ता हैं, आप भी तो उपभोग कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप भी उपभोग कर रहे हैं, बहुत सारा उपभोग कर रहे हैं, कपड़े का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, कितनी सारी वस्तुओं को आप परचेज करते हैं जो आपके लंच डिनर ब्रेकफास्ट से संबंधित होता है, ठीक है, बताइए सर। उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या याद आना चाहिए भैया, क्या याद आना चाहिए, MUX/PX = MUY/PY, याद आया? जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एप्लीकेशन पे ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं कि सर जी उपभोक्ता के लिए अधिकतम संतोष की स्थिति होगी। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तभी होगा
जब उसे अधिकतम सेटिस्फेक्शन अधिकतम संतोष मिले। जैसे हम आपसे ये कहें कि आपको, चलिए आपको मैं 500 रुपए देता हूँ, ठीक है, एक दिन में 500 रुपए मैं आपको पास देता हूँ, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे घर से आप दूर हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो ये 500 रुपए से आप क्या करेंगे कि अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करेंगे, तभी तो जा करके आपका संतोष अधिकतम होगा, तो आप संतुलन की स्थिति में हो जाएंगे। या अब कब संतुलन में नहीं होंगे कि 500 रुपए मिल गया, भूख लगी हुई है, पता चलेगी जाके थिएटर में बैठ के पिक्चर देख लिए, तो भैया पिक्चर देख लिए तो उससे आपको अधिकतम संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट में क्या हुआ है, भूख तो लगी हुई है, बेचैन है, परेशान है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके पास आय है, अपने आय को इस प्रकार से खर्च करिए कि आप अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर पाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या होंगे, सेटिस्फेक्शन की स्थिति में होंगे। जैसे सामान्य परिवार होता है, जैसे मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि महीने की इनकम अगर जो 50,000 रुपए है, तो भैया रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था पहले करनी है। गोवा घूमने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डजेंट मैटर। विदेश घूमने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डजेंट मैटर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान की पहले व्यवस्था हो जाए। तो रोटी, कपड़ा और मकान पे खर्च करके वो अधिकतम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करता है, अर्थात वो संतोष की स्थिति में विद्यमान होता है, अर्थात वो संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है कि नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मार्शल के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्न स्तर पर लागू होता है। बेहतरीन सा प्रश्न, खूबसूरत सा। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इतना बेहतरीन सा प्रश्न है, मजा आ जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है, ये मार्शल की बात कर रहा है। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। पहले तो आप ये जानिए कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी बोलते हैं, और ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता आपको कम होने लगती है। जैसे आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको प्यास लगी है, तो जब पहली ग्लास का पानी आपके सामने आएगा, फर्स्ट ग्लास का पानी जब आपके पास आएगा, तो ये क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट ग्लास का पानी सबसे महत्वपूर्ण होगा। वही जब दूसरी ग्लास का पानी आएगा, तो अब आपकी प्यास थोड़ी सी बुझ चुकी है, तो दूसरी जो ग्लास होगा वो पहली के इतना इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही जब तीसरी ग्लास आएगी तो वो और कम महत्वपूर्ण हो जाएगी, ऐसे ही जब चौथी ग्लास आएगी तो और कम महत्वपूर्ण हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब पांचवी और छठी नंबर की ग्लास आएगी, तो आप कहेंगे कि भैया अब हमारी प्यास बुझ गई है, अब हमको क्या करना है, अब हमको पानी नहीं पीना है, अब हमको पानी की ग्लास की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है। लेकिन मार्शल साहब इसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि देखिए भैया, मार्शल साहब ये कहते हैं कि ठीक है, अन्य सभी वस्तुओं पे ये लागू तो होता है, लेकिन ये मुद्रा पे लागू नहीं होता है, क्योंकि 1,00,000 रुपए आपके पास है, तो आप चाहते हैं कि 2,00,000 रुपए हो जाए, तो 1,00,000 की अपेक्षा 2,00,000 आपको और आनंदित करता है। 3,00,000 रुपए आपके पास हो जाए और आनंदित करता है, फिर 1,00,000,000 रुपए हो जाए आपको फिर और आनंदित करता है। तो यहाँ पे जब मुद्रा की जितना ही मुद्रा आपके पास बढ़ती चली जाती है, उतना ही अधिकतम सेटिस्फेक्शन आपको मिलने लगता है, ठीक है। अर्थात आप जितने अमीर होते जाते हैं, उतने ही पैसे की चाहत बढ़ने लगती है। लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत अन्य वस्तुओं के लिए ये नियम लागू होता है, केवल और केवल मुद्रा के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, ऐसा कहना है हमारे मार्शल साहब का, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, ठीक है। अगला प्रश्न कि एक वस्तु के मूल्य परिवर्तन का कुल प्रभाव निम्न है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में, और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और विश्वास से बोल रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे जैसे जैसे कॉन्टेंट में करवा रहा हूँ वैसे वैसे करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पूरे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार, अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार पूरे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे लाइव क्लास हो रही है, इन केस लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है।
इसके अतिरिक्त आपको वहाँ पे नोट्स मिलता है, नोट्स को पढ़िए बार बार ताकि आगे के टॉपिक को आप पढ़ते चले जाएं, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें। टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट देंगे समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ से गलत हो रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, कहाँ पे प्रश्न गलत हो रहे हैं, जहाँ पे भी गलत हो रहे हैं उन गलतियों को सुधारिए। अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं ताकि आप इस बात को समझें कि किस लेवल की तैयारी करनी है, और आपका करंट भी कवर करा दिया जा रहा है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो आगे कोई भी वैकेंसी आती है तो जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको एक रुपये भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं सभी लोग, ए बोल रहे हैं सभी लोग, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि देखिए सर, एक वस्तु के मूल्य परिवर्तन का कुल प्रभाव जो होता है वो अस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव होता है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें यही तो होता है ना कि यदि उपभोक्ता की आय को हम स्थिर मान लेते हैं तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होता है उसे ही तो कीमत प्रभाव बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, कुल प्रभाव इज इक्वल टू क्या होता है, स्थापन प्लस आय प्रभाव। ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी और बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए बिल्कुल नया बैच प्रारंभ किया गया है, और बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए मैं 3000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करवा रहा हूँ, जहाँ पे वो प्रश्न केवल और केवल बिहार टीजीटी पीजीटी से संबंधित होंगे। वो क्लास एप्लीकेशन पे ही होगी और मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि उस सेशन से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जो लोग भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न कि अन्य बातें समान रहे, पूर्ति की मात्रा में कमी बाजार में निम्न को संचालित करती है। पूर्ति की मात्रा में कमी आ गई भाई, इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ति की मात्रा में कमी आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? जब एक समय ऐसा मान लीजिए कि मांग और पूर्ति बराबर थी पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन, लेकिन अब दूसरे कंडीशन में क्या हो जा रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति की मात्रा में कमी आ जाए, अर्थात मांग किसी वस्तु की ज्यादा है और पूर्ति कम हो जा रही है। तो भैया जब ज्यादा वस्तुओं की डिमांड है मार्केट में और उसकी मात्रा कम होगी मार्केट में, पूर्ति कम होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कीमत बढ़ ही जाएगा ना, कीमत बढ़ जाएगा अर्थात ऊंचा मूल्य हो जाएगा। जैसे कोविड के समय में देखा ना आपने, कोविड के समय में देखा कि नहीं देखा, कीवी की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और उस टाइम प्लेटलेट्स की दिक्कत थी लोगों के पास। तो ऐसी स्थिति में कीवी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कीवी की पूर्ति कम हो गई, और यही कारण है कि जो कीवी अमूमन 10 रुपये में एक मिलता है, 10 रुपये में एक मिलता है, वो कीवी क्या होने लगा, 50 रुपये में एक मिलने लगा। ठीक है, तो क्या हो गया, कीवी की कीमतों में वृद्धि हो गई। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, यदि पूर्ति एवं मांग बराबर रूप से बढ़ती है तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा भाई, चलिए बताइए। चलिए अक्षय जी, ममता कुमारी जी, अरविंद प्रसाद जी, चंद्रबली प्रजापति जी, राजेश कुमार सिंह जी, भगवती जी, ठीक है, पूजा मिश्रा जी, नीतू कश्यप जी, सूरज प्रजापति जी, चलिए बताइए, मौसम कुमारी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये इकोनॉमिक्स की क्लास मैं आपको बता दूं 365 दिन हमारे यहाँ चलती है, यूट्यूब पे भी चलती है और एप्लीकेशन पे भी चलती है, ठीक है, और रोज क्लास होती है। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, थोड़ा सा कुछ दिन कुछ महीने लगना पड़ेगा, है ना। तो बस लगे रहिए एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी डी, बहुत सारे लोग, इतने सारे महानुभाव कहाँ से आ गए भाई कि पूर्ति और मांग बराबर है, अर्थात पहली कंडीशन में भी क्या है, मांग और पूर्ति बराबर है, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है,
कि अगर जो वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है। तो दूसरी कंडीशन में भी मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो भैया जब दोनों स्थिति समान है तो ऐसी स्थिति में कीमत तो बैलेंस होगा ना, कीमत कहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा, कीमत क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप मार्केट जाते हैं ना तो मार्केट में देखते हैं ना कि आलू जो है वो रोज 20 रुपया पर केजी मिल रहा है। तो भैया एक दिन तो मार्केट में आलू आया है और उस अनुसार से उस आलू की कीमत का निर्धारण हो गया मांग आपूर्ति की शक्तियों के आधार पर कि 20 रुपये की कीमत है। लेकिन अगले दिन आलू की कीमत और बढ़ जाती है, अगले दिन क्या होता है, आलू की मांग बढ़ेगी। तो आलू की मांग बढ़ेगी तो भैया जो व्यापारी होगा वो स्टोरेज में रखा होगा आलू और मार्केट में ला देगा। तो भैया मांग भी बढ़ रही है, पूर्ति भी बढ़ रही है, तो फिर अगले दिन भी आलू क्या बिकेगा, 20 रुपये का ही बिकेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, जब बाजार कम हो तो वह निम्न रूप से जाना जाता है। जब बाजार क्या हो, कम हो, एप्लीकेशन वाले 3-4 बार मैंने कल परसों के सेशन में बताया था, 3-4 बार मैंने बताया था कि जब कहीं भी कम की बात हो, कहीं भी कम की बात हो, कहीं भी थोड़े की बात हो, कहीं भी कुछ की बात हो, कहीं कुछ की बात हो, कहीं भी दो से ज़्यादा की बात हो, दो से ज़्यादा की बात हो, कहीं भी 10 से कम की बात हो, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये अल्पाधिकार बाजार का उदाहरण होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों की संख्या कम होती है, फर्मों की संख्या थोड़ी होती है, फर्मों की संख्या कुछ होती है, फर्मों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है, फर्मों की संख्या 10 से कम होती है। और यहीं पे क्या होता है दोस्तों, कार्टेल का निर्माण होता है, कार्टेल के बारे में भी आप जानते होंगे। और यहीं पे अपूर्ण प्रतियोगिता भी देखने को मिलती है, अपूर्ण प्रतियोगिता। एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड देख लीजिए, अपूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकार जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अल्पाधिकार का ही एक रूप होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो एक होता है दोस्तों अपूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा होता है शुद्ध अल्पाधिकार। तो अगर जो देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अल्पाधिकार के अंतर्गत विभेदित वस्तुओं का भी उत्पादन हो सकता है और समरूप वस्तुओं का भी उत्पादन हो सकता है। तो अगर जो अल्पाधिकार के अंतर्गत जो थोड़ी फर्में हैं, कुछ फर्में हैं, अगर जो वो विभेदित वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं तो इस स्थिति को अपूर्ण प्रतियोगिता बोला जाता है। और अगर जो वो क्या कर रही हैं, अल्पाधिकार के अंतर्गत जो कुछ फर्में हैं वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं तो उसे शुद्ध अल्पाधिकार बोला जाएगा, उसे शुद्ध अल्पाधिकार बोला जाएगा। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत विभेदित और समरूप दोनों वस्तुओं का उत्पादन होता है, दोनों के कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर जो सभी फर्में समान रूप की वस्तुओं का, समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, रंग में एक जैसी हो, क्वालिटी में एक जैसी हो, क्वांटिटी में एक जैसी हो, तो ऐसी स्थिति को शुद्ध अल्पाधिकार बोला जाएगा। लेकिन अगर जो विभेदित वस्तुओं का फर्में उत्पादन कर रही हैं तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी। इस बात को बहुत गौर से और ध्यान से रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अल्पाधिकार को तो पढ़ लेते हैं लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता शब्द जब कहीं दे देता है तो उनको समझ ही नहीं आता है कि अरे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हम तो पूर्ण प्रतियोगिता पढ़े हैं, हम तो एकाधिकार पढ़े हैं, हम तो एकाधिकारिक एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार पढ़े हैं, हम तो अल्पाधिकार पढ़े हैं, हम तो क्रेता अधिकार पढ़े हैं, हम और क्या पढ़े हैं, हम दे अधिकार पढ़े हैं, लेकिन ये अपूर्ण की बात तो हम नहीं पढ़े हैं। तो भैया समझते रहिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न, चलिए भाई कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म संतुलन की स्थिति में कब होती है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है भाई, जो एप्लीकेशन पे पढ़ा होगा बहुत अच्छे से मैंने बताया था, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ मैं भाई, एक बार नहीं मैं क्या किया हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं AR इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, MR होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है, देयर इज नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काट रहा है, ये देखिए काट रहा है, और सीमांत लागत वक्र जब सीमांत आय वक्र को काटता है
तब ऊपर उठता है। बिल्कुल ठीक है, तो जितने भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, वितरण का सिद्धांत किसने दिया भैया, और क्या होता है वितरण का सिद्धांत, कमेंट करके बताइए कि वितरण का सिद्धांत किसने दिया, कमेंट करके बताइए सभी लोग। और जो लोग भी लाइक और शेयर नहीं किए हैं, आप क्यों नहीं लाइक और शेयर करते भैया, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करिए और शेयर किया करिए, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि जैसे बहुत समय समय पे आप लोगों से जब हमारी बात होती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर घबराहट हो रही है, जब पढ़ते हैं तो घबराहट हो रही है। तो भैया ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर जो आप कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां क्रिएट होंगी और उस भ्रांतियों को क्रिएट होने की वजह से आपको घबराहट होगी। अगर जो आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो भैया ऐसी स्थिति में अपने आप को रिलैक्स करिए और फिर ये सोचिए कि हाँ भाई ऐसा होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, जो टॉपर होता है उसके साथ भी होता है, आपके साथ भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये केवल आप ही के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब जब भी ऐसी कंडीशन विद्यमान हो तो अपने आप को नॉर्मल रखिए और कहिए ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी आधे घंटे में सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और अपने आप को क्या करिए कि ध्यान थोड़ा सा इधर उधर करके और फिर क्या करिए कि स्टडी पे कंसंट्रेट कर दीजिए, ये होना ही होना है, ठीक है। ये होता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी भैया जिंदगी है तो सबकी जिंदगी में क्या है कि बहुत सारे कठिन कठिन क्षण आते हैं, सबकी लाइफ में ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में। और आप अब जिंदगी के उस पड़ाव पे हैं कि आप किसी और का हेल्प ले भी नहीं सकते। जो माता पिता हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारा लड़का सक्सेस हो जाएगा, हमारी जिंदगी बन जाएगी, तो अब आप उनके सामने उदास नहीं हो सकते। जो भाई बहन हैं, भैया जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं उसी कंडीशन से वो भी गुजर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको वो जरूरत है, आप मेहनत कर रहे हैं वैसे वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो भैया उनसे भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम अकेले ही काफी हैं। क्या है, हम अकेले ही काफी हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, अकेले ही कर लेंगे, है ना। तो किसी से कोई उम्मीद नहीं, केवल उम्मीद किससे, अपने आप से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर आ रहा भाई, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न क्या उत्तर आ रहा भाई कि वितरण का सिद्धांत किसने दिया था, जेवी क्लार्क ने दिया था, और किसने दिया था, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वितरण का सिद्धांत क्या बोलता है, ये इस मान्यता पे आधारित है कि किसी साधन की कीमत जो होती है, किसी साधन की कीमत जो होती है वो मांग व पूर्ति की शक्तियों पर आधारित होती है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधारित होती है, और साधनों की और साथ ही जो साधन होते हैं उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही क्या होता है, परिश्रम मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या किसी को, ठीक है ना, हाँ ठीक। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि प्रत्येक साधन इकाई के लिए आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो वितरण का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि किसी साधन की जो मांग होती है वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, मजदूरी को सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, मजदूरी कोष का सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, किसने दिया भैया। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। प्रत्येक शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, ठीक है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए कि सर मजदूरी को सिद्धांत सर्वप्रथम जो दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था एडम स्मिथ साहब ने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था।
और मजदूरी कोष के सिद्धांत को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जे एस मिल को जाता है। इन लोगों ने क्या कहा था मजदूरी कोष सिद्धांत के अंतर्गत? इन लोगों ने ये कहा था कि भैया मजदूरों को देने के लिए पैसा आप अलग रखिए, अर्थात जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो मजदूरों के लिए आप पैसा अलग रखिए, मजदूरों के लिए एक अलग सा कोष बनाइए और इसी कोष में से क्या करिए कि मजदूरों को मजदूरी दीजिए, ठीक है? और जैसी आपकी स्थिति हो आप क्या करिए कि मजदूरी दर में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि मजदूरी कोष सिद्धांत जो है सबसे पहले जो दिया गया है वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया और विकसित करने का श्रेय जेएस मिल को जाता है। और इसमें अंतर इसके अंतर्गत ये कहा गया कि एक क्या करना चाहिए, मजदूर एक कोष ऐसा बनाना चाहिए जिससे जब मजदूरों को क्या करना हो कि मजदूरी देना हो तो इसी कोष में से पैसा निकाल करके आप मजदूरी दीजिए, ठीक है? अगला प्रश्न, समाज की वस्तुगत आय का वह भाग जो मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है तथा जिसमें विदेशियों से होने वाली आय सम्मिलित की जाती है राष्ट्रीय आय है, ये किसने कहा था? बेहतरीन सा प्रश्न है एप्लीकेशन पे दोस्तों, अभी मैंने 2 दिन पहले इस बात को पढ़ाया था, जब राष्ट्रीय आय में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने ये बात आपको बताई थी, ठीक है? तो पीगू साहब ने कहा था, पीगू ने कहा था, क्या कहा था कि भैया राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना चाहिए जो जिनका मौद्रिक माप संभव है, अर्थात जिसे मुद्रा रूपी पैमाने में माप सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जिन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। तो ये बात किसने कहा था? ये पीगू साहब ने कहा था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एक वर्ष में संदर्भित होता है। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश के राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष क्या होगा भाई? वित्तीय वर्ष क्या होता है? एक वर्ष की बात कर रहे हैं तो क्या ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है क्या? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक नहीं होता है सर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक वर्ष नहीं माना जाता है। तो किसे माना जाता है सर? तो आप कहेंगे सर जी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या होगा वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल या 1 मार्च? कमेंट करके बताइए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा भारत का वित्तीय वर्ष है, ठीक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में हो रहा है उसका कुल मौद्रिक मूल्य जो है वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय होने वाली है, ठीक है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक वित्तीय वर्ष अर्थात मार्च से अप्रैल जो होता है वो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है? अगला प्रश्न कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी मैंने एप्लीकेशन पे आप लोग को पढ़ा दिया है और जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं एडमिशन आप ले लीजिए, वहाँ पे आपको सारी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। अभी तक जो भी 20 या 25 क्लास हुई है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको दोस्तों बिल्कुल इकोनॉमिक्स का नया बैच प्रारंभ किया गया है, वहाँ पे आपको A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ मिल रहा है। अगर जो ईमानदारी से ये सारे कंटेंट को आप फॉलो करते रहे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है, अर्थात जब कोई नई वैकेंसी आएगी, नया बैच प्रारंभ किया जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। अलग अलग बैच चल रहा है, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, तो आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी।
नीचे दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे आपको अपनी फीस गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या होगा, सी होगा ना, कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस क्या होता है, घिसावट होता है। ठीक है, घिसावट क्या होता है, जो मशीनें टूट फूट जाती हैं, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कास्ट होता है। अब इसको मैं कल ही पढ़ाया था, कल ही मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन पे पढ़ाया था और बहुत अच्छे से ये सारी चीजें वहां पे डिस्क्राइब की थी। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि बैंक शाख का निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है, यह किसने परिभाषित किया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बैंक शाख का निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है, यह स्टेटमेंट किसने दिया सर, यह स्टेटमेंट किसने दिया बताइए सर। तो आप बोल रहे हैं कि सर जी ये शेयर्स ने दिया था, ठीक है, तो शेयर्स ने क्या किया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि बैंक जो होता है वो शाख का निर्माता होता है, विनिमय और विनिमय को ये क्या करता है, सुविधाजनक बनवाने वाला ये यंत्र होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि बैंकों के लिए ईंट तथा चूने में पूंजी लगाने के स्थान पर उसे नगद के रूप में रखना अधिक लाभदायक है, ये कथन किसका, ये भी एक स्टेटमेंट है। और बिहार में बात करें दोस्तों अगर जो, तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जब मैं एप्लीकेशन पे आप लोगों को बिहार स्पेशल करवाऊंगा वहाँ पे, तो स्टेटमेंट वाले बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, वाकर ने बोला था, बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, वाकर ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। नहीं पता होगा तो पता कर, आज के बाद कभी मत भूलिएगा। बैंक के लिए ईंट तथा चूने में पूंजी लगाने के स्थान पर उसे नगद के रूप में रखना अधिक लाभदायक है, ये स्टेटमेंट किसका है, वाकर का है। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए भाई बताइए, सदानंद मिश्रा जी, मीनू यादव जी, कविता जी, जावेद अख्तर जी, रोहित कुमार जी, ठीक है, रश्मि तिवारी जी, दीक्षा सिंह जी, सुमन शर्मा जी, अरविंद प्रसाद जी, एंजल जी, ठीक है, फातिमा जी, आदि सिंह जी, अफसाना सिद्दीकी जी, ठीक है, तस्लीम खान जी, ललिता सिंह जी, अमरेश यादव जी, अफजल हसन जी, अक्षय जी, एक्सट्रीम जी, ठीक है, चलिए बताइए, राजन सिंह जी, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भैया, कि मौद्रिक नीति को निम्न में से कौन संचालित करता है। भैया ये तो बच्चों वाली बात है, मौद्रिक नीति कौन संचालित करता है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक, और राजकोषीय नीति कौन अपनाता है, हमारे देश की सरकार। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिक्स के खिलाड़ी होते हैं वो भी इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, तो गलती मत करिएगा भैया। ठीक है, मौद्रिक नीति कौन संचालित करता है, केंद्रीय बैंक, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, ठीक है, मुद्रा का नियंत्रण करना है ये कौन करता है, आरबीआई ही तो करता है ना, आरबीआई ही तो करता है ना, और जो राजकोषीय नीति है वो देश की सरकार बनाती है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। अगला क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है, इतने सारे लोग लाइव क्लास देख रहे हैं और आप खुद ही देख लीजिए, 50% लोग भी लाइक नहीं किए हैं, 50% लोग भी लाइक नहीं किए हैं, ऐसा क्यों है भाई, मैं 2 घंटे आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये तो मॉरेलिटी बनती है, नैतिकता बनती है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, आप ही के लिए तो क्लास ली जा रही है ना। और हमारा ऐसा भी नहीं है कि भैया हम एक दिन आएंगे, बैच अनाउंस कर देंगे और चले जाएंगे, हम तो आपके साथ रोज़ आते हैं, रोज़ आपकी क्लास लेते हैं, रोज़ आपको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, रोज़ बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने आता है। ठीक है, तो लाइक शेयर किया करिए भाई, आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा लाइक शेयर। निवेदन है सभी लोगों से कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए।
इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड किताब किसने लिखी, ठीक है? किसने लिखी भाई? तो किसने लिखी ये किताब? क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, ओहलिन की बात कर रहे हैं, वर्टलिन ओहलिन की बात कर रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसी में इन्होंने साधन भिन्नता की बात की थी, साधन भिन्नता की बात की थी। क्या कहा था कि दो देश आपस में व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों देशों में साधन भिन्नता पाई जाती है, ठीक है? तो साधन भिन्नता की बात किस पुस्तक में किया? इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कि एक राष्ट्र की मुद्रा का अवमूल्यन निम्न स्थिति में लाता है। स्मार्ट है ये प्रश्न, बहुत स्मार्ट है ये प्रश्न, है ना? ये प्रश्न बहुत स्मार्ट है और इसको क्या करेंगे कि बहुत स्मार्टली इसको हल करेंगे तभी इसका उत्तर ठीक कर पाएंगे। ये प्रश्न अपने आप में क्या है, बहुत स्मार्ट प्रश्न है और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्टली इस प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे, गलत करेंगे, 100% गलत करेंगे। चलिए ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब मुद्रा का अवमूल्यन कोई देश करता है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है, जो मुद्रा का क्या होता है, बाह्य मूल्य होता है, वो कम हो जाता है। और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो आयात जो होते हैं, जो आयात होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं, ठीक है? और जो निर्यात होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। निर्यात जो होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन भैया आप अपने देश में कीमतों में परिवर्तन को नहीं देखते, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ता है। अर्थात घरेलू कीमतें जो होती है वो क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। तो अवमूल्यन करने से मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, ये बात ठीक है। और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो आयात महंगे हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। लेकिन अवमूल्यन से केवल आयातों और निर्यातों पर असर पड़ता है, घरेलू मार्केट में इससे कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। तो सुंदर सा प्रश्न था कि नहीं था? था ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और 50% लोग इस प्रश्न को जब पेपर में आएगा तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस जरूरी है। यहाँ पे तो आप कुछ लोगों के उत्तर को भी देख लिए, थोड़ा सा समझ भी लिए, मैंने बता भी दिया कि बहुत स्मार्ट प्रश्न है ये, तो आपने ठीक है इस चीज को संभाल लिया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में 50% लोग ऐसे प्रश्नों को गलत करके आते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि एक देश के विकास सूचकांक निम्न है। एक देश विकास कर रहा है उसका सूचकांक क्या है भाई, बताइए बताइए क्या होता है? अब ये भी स्मार्ट सा प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत स्मार्ट है सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जी प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है। अरे महानुभाव, मानव कल्याण में वृद्धि होती है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है? मानव कल्याण में वृद्धि होती है ना, आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, मानव कल्याण में वृद्धि होती है। और जब मानव कल्याण में वृद्धि होगा तो ऊंचा जीवन स्तर होगा ना, ऊंचा जीवन स्तर होगा कि नहीं होगा भैया? जब प्रति व्यक्ति आय की बात हम जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कहते हैं कि एक देश विकास कर रहा है, इसका सूचक ये है कि उस देश की राष्ट्रीय आय निरंतर रूप से बढ़नी चाहिए, उस देश की प्रति व्यक्ति आय निरंतर रूप से बढ़नी चाहिए, उस देश की आधारभूत संरचना निरंतर रूप से बढ़नी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन सब कुछ निरंतर रूप से बढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब निरंतर रूप से बढ़ेंगी तो लोगों के मानव कल्याण में, मतलब मानव कल्याण बढ़ेगा, लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर होगी, ऊंचा जीवन स्तर होगा, ठीक है?
तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रति व्यक्ति आय नहीं होगा भैया, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात ऊंचा जीवन स्तर, अर्थात मानव के कल्याण में बेहतरी होती है, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, आर्थिक विकास का सबसे बेहतरीन सूचक है। अगला प्रश्न कि आधुनिक वृद्धि की ऊंची दर के लिए निम्न में से अनिवार्य शर्त कौन सी है। आधुनिक वृद्धि की ऊंची दर मतलब विकास की ही बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं सभी लोग, सतत तकनीकी। देखिए एक होता है आर्थिक विकास जिसके अंतर्गत मानव के कल्याण में वृद्धि होती है, अर्थात राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उस देश की आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सब कुछ बेहतर हो रहा है। और दूसरा होता है आर्थिक समृद्धि, या जिसे हम आर्थिक वृद्धि भी बोलते हैं। आर्थिक वृद्धि ये विकसित देशों में देखने को मिलता है, अर्थात आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलता है। और यहाँ पे मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि ये देश टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, कितना टेक्नोलॉजी परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अमेरिका आजकल हमसे बहुत आगे है, क्यों आगे है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अन्य बातें समान रहे तो ऊंची पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होगा। ऊंची पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होगा सर, बताइए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, ऊंची पूंजी निर्माण क्या होगा, तो आप कहिए ना सर, ऊंची पूंजी निर्माण होने का, जब पूंजी का निर्माण ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का स्तर भी बेहतर होता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अगर जो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाना है तो उस देश की पूंजी निर्माण की दर जो है वो ऊंची होनी चाहिए। जब पूंजी निर्माण की दर ऊंची होगी तो इसी स्थिति में उत्पादन भी ऊंचा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे एब्सोल्युटली ठीक बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, प्यारा बोलेंगे। अगला, सरल भाषा में आर्थिक विकास की परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त की जाती है। अब चलिए भैया, आर्थिक विकास कहाँ पे देखने को मिलता है, विकासशील देशों में देखने को मिलता है, और आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलता है। तो आर्थिक समृद्धि जो विकसित देशों में देखने को मिलता है, इसका प्रमुख कारक क्या है, टेक्नोलॉजी का विकास। और आर्थिक विकास में क्या होता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आधारभूत संरचना अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सब कुछ बेहतर होगा। और जब सब कुछ बेहतर होगा तो मानव के कल्याण में क्या होगी, बेहतरी होगी। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, सरल शब्दों में बता दीजिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि सर जी, दीर्घ काल तक वास्तविक राष्ट्रीय आय की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उस सारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, ठीक है कि भाई अगर जो किसी कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो इसका मतलब है दीर्घ काल तक, अर्थात सतत रूप से उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है। ऐसा नहीं कि 2023 में उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी, 24 में नहीं बढ़ी तो हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है, ऐसा नहीं है। 2023 में भी बढ़ना चाहिए, 24 में थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, 25 में थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, 26 में भी बढ़ना चाहिए। ये सतत प्रक्रिया क्या होती चलनी चाहिए, 5 साल या 10 साल या 20 साल तक लगातार अगर जो चल रही है तो हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बताइए सर कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है भाई, क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, कुछ डी भी बोल रहे हैं। कब शुरुआत हुई थी,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो बोलिए ना कि सर जी 1980 में तो हुआ था। बोलिए कि सर 1980 में हुआ था। ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु क्या था? राष्ट्रीय रोजगार के अवसर प्रदान करना, अर्थात लोगों को क्या करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी? तो ये था दोस्तों राष्ट्रीय रोजगार के। ठीक है सर, बताइए भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ठीक है, भारत में, ठीक है, ये कौन किसको आशीर्वाद दे रहा है भाई? हैं, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, 1956 में, ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी वो किया गया था 1956 में किया गया था, और इसके अंतर्गत उद्योगों को तीन सूचियों में बांटा गया था। प्रथम सूची में क्या हुआ था? प्रथम सूची के अंतर्गत कितने उद्योग रखे गए थे? 17 उद्योग रखे गए थे, और द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत 12 उद्योग रखे गए थे, और तृतीय अनुसूची के अंतर्गत जो प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची में उद्योग नहीं आ रहे थे उसको तृतीय अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को गठित करने संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ? क्या उत्तर होगा भाई, बताइए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को गठित करने संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, पता है एक इतना बेहतरीन एटमॉस्फियर यहाँ पे क्रिएट होता है 7 से 9 के बीच में कि जब कभी कभी मैं भी क्लास नहीं लेता हूँ तो मैं भी मिस करता हूँ इस क्लास को। मुझे भी लगता है यार मज़ा आता, क्लास लेते तो मज़ा आता है ना। तो एक बेहतरीन सा एटमॉस्फियर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और मैं आप लोगों से, मतलब मेरी यही उम्मीद है आप लोगों से कि इस बार जहाँ भी आप परीक्षा दे रहे हैं आप सफल जरूर हो जाए। ठीक है, आप सफल जरूर हो जाएं, क्योंकि बेहतर, ठीक है सब कुछ चीजें ठीक है लेकिन सफल होना बहुत जरूरी है ना। तो क्या होना है, इस बार किसी भी तरीके से सफल हो जाएंगे, और अगर जो सफल हो गए तो इस बात को याद रखिएगा कि आपने हंसते खेलते अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लिया है ना। हंसते खेलते हम लोग क्या कर रहे हैं, सेशन को करते हैं, और आप बड़े आराम से अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो इस बार क्या करना है, इस बार सफलता लेना है ना। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को गठित करने संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों डी बोल रहे हैं। पारित हुआ ये कब? ये पारित हुआ 1989 में, और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1990 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को गठित करने के लिए जो अधिनियम पारित हुआ था ये अधिनियम 1989 में पारित हुआ था, लेकिन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी ये क्या हुई थी, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसकी जो मुख्यालय है इसे कहाँ पे है, लखनऊ में है, और इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं,
सिड भी बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, और जब से मैं क्लास लेने लगा यहाँ पे एप्लीकेशन पे, हमारे मित्र भी थोड़े से कम हो गए, क्योंकि कभी कभी जब मैं घूमने जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ जहाँ पे मुझे समय मिलता है कि मतलब थोड़ा सा दोस्तों के साथ समय बिताऊँ, तो वहाँ पे जाता हूँ तो मैं बहुत आनंदित रह ही नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है यार क्लास लेते मज़ा आता, कहाँ आके फंस गए। तो फिर हमारे मित्र भी धीरे धीरे हमको कॉल करना कम कर दिए कि वो तो आते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा क्या हुआ कि हमारी जो दुनिया हुई वो थोड़ी सी बदल गई, कि भैया मज़ा मुझे जिस चीज़ में आता है वही करना है ना। मुझे जहाँ पे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है कि 7 से 9 क्लास में पढ़ाऊँगा, एप्लीकेशन पे क्लास में पढ़ाऊँगा। अब पूरी दुनिया की ताकत, अगर जो जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है, जब तक सारी चीज़ें ठीक है, मैं क्लास लूँगा, मुझे इसी में आनंद आ रहा है, दुनिया की और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे मित्र भी क्या हो गए, कम होने लगे। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, कि आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए तीव्र, क्या है भाई ऑप्शन नंबर। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया कि हमें क्या करना है, हमें अपने आधारभूत और भारी उद्योगों को का विकास करना है। इसकी आधारशिला द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि निम्न योजनाओं में से किसमें भारत की कृषि उत्पादन वृद्धि ऋणात्मक थी, बेहतरीन सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ठीक है चलिए क्या उत्तर आएगा तो चलिए क्या उत्तर आएगा कि निम्न योजनाओं में किसमें भारत की कृषि उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप बी बोल रहे हैं क्या, बी बोल रहे हैं क्या, 1961 से लेकर के 66 तक, ठीक है। क्या कारण था, क्या कारण था सर, कारण बताइए, अच्छा लगेगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्न योजनाओं में से किसमें भारत की कृषि उत्पादन वृद्धि ऋणात्मक रही, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और दोस्तों जब इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया, उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि 1962 में हमने क्या किया था, चीन से युद्ध लड़ा, ठीक है, 1962 में चीन से युद्ध लड़ा, 1965 में हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, और दोस्तों 1965 में ही क्या हुआ कि हमारे देश में सूखा पड़ गया, ठीक है। तो इन सभी कारणों के कारण हमारे देश में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक देखी गई। और इसी कारण से दोस्तों 1966 में क्या आ गया, हरित क्रांति आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ किया गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, पॉलिटी की क्लास जो होगी वो होगी आज, आज से पॉलिटी की क्लास भी शुरू हो रही है। तो जो लोग भी पॉलिटी की क्लास जिनकी जिनका भी सब्जेक्ट है वो जरूर ज्वाइन करिएगा, 9 बजे से पॉलिटी की क्लास होती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ किया गया, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और कुछ बोलिए, और कुछ बोलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये किस मॉडल पे आधारित थी, मुलर मॉडल पे आधारित थी, और ये निर्देशात्मक आयोजन पे आधारित थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1992 से शुरू हुआ और 1997 में समाप्त हो गया, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला अगला, सुपीटर के अनुसार उद्यमी करता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि, दोस्तों लाइक की संख्या बहुत कम है, सभी लोगों से निवेदन है कि यार थोड़ा लाइक कर दीजिए, जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उतने लोग भी लाइक नहीं किए हैं, ऐसा क्यों है भाई, निवेदन है सभी लोगों से कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्या
क्या हो? क्लास मिलता रहे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सुमपीटर साहब क्या कहते हैं? सुमपीटर साहब ये कहते हैं कि देखिए, एक जो उद्यमी होता है वो लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वो नए नए आइडियाज को लाता है। कुछ ऐसे आइडियाज लाता है जो आज से पहले कभी नहीं लाया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 20-25 साल पहले या 10 साल पहले कार में सनरूफ नहीं होता था, लेकिन किसी ने सोचा कि दुनिया के पास, भारत के पास पैसा है या दुनिया के पास पैसा है तो कार में सनरूफ लगा दो, क्योंकि एक से एक लोग हैं जो क्या गए, वो जो चाहते हैं कि कार के अंदर से खड़ा होकर के और हम चीजों को देखते हुए चलें। तो भैया, किसी के पास 20 लाख की कार थी, किसी के पास 25 लाख की कार थी, किसी के पास 50 लाख की कार थी, उसमें सनरूफ ही नहीं था, तो सभी लोगों ने कहा कि हटाओ इसको, अब हम लाएंगे, हम भी सनरूफ वाला कार लाएंगे, हम भी ऊपर ऊपर ऐसे कार के अंदर खड़ा होकर के और ऊपर देखते हुए चलेंगे पूरा शहर। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति ने आइडिया लाया और अरबों खरबों रुपए का बिजनेस हो गया कार का। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, अगला, कि जिन लोगों ने अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है वो क्या होते हैं? आप बताइए, ये भी प्रश्न पूछ दिया कि जो अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, आप तो किए हैं, बाकी लोग नहीं किए हैं जो आपके आसपास हैं, तो चलिए बताइए वो लोग क्या हैं, क्या हैं भाई? वो लोग क्या हैं जो लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन नहीं किए हैं? आप तो किए हैं, वो लोग क्या हैं जो आपके आसपास में इकोनॉमिक्स का अध्ययन नहीं किए? तो आप कहेंगे कि सर जी, वो अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान से वंचित हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र हमें यही बताता है कि अगर जो वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, उस वस्तु की मांग में कमी आ जाती है कि नहीं है? और यही तो सभी लोग के जीवन में होता है, लेकिन इस बात को कहाँ लोग समझ पाते हैं। ठीक है, अगर जो प्याज की कीमत 100 रुपये पर केजी हो गई तो आप अपनी मांग को घटा देते हैं, आप चाहते हैं तो हाफ केजी प्याज खरीद के लाते हैं, लेकिन वहीं अगर जो प्याज की कीमत कम होती है, प्याज अगर जो 10 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलने लगेगा तो आप क्या करते हैं कि तब अपनी मांग को बढ़ा देते हैं, तब आप प्याज 2 केजी खरीद के लाते हैं, तो अपने मांग को आप बढ़ा देते हैं, तब क्या करते हैं, 2 केजी प्याज खरीदते हैं। ये तो हमारे और आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। तो जब सबकी लाइफ में ऐसा होता है तो भैया ये एक सिद्धांत ही तो है, लेकिन जिसका वो क्या है, वो लोग सिद्धांत से वंचित हैं, वो लोग इस बात को व्यवहारिक रूप से नहीं समझ पा रहे। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बता दीजिए सर, क्रेता बाजार की वह स्थिति है, बच्चों वाला प्रश्न है भाई, बहुत बच्चों वाला प्रश्न, क्रेता बाजार की स्थिति, लेकिन ऑप्शन जो है वो काफी बेहतरीन दिया गया है इसमें, ऑप्शन जो है वो काफी बेहतरीन दिया गया। क्रेता बाजार की स्थिति क्या होती है? बिल्कुल ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा सर, कैसे समझेंगे इस बात को, कैसे समझेंगे, अर्थात क्रेता बाजार की बात कर रहा है, जहां पे क्रेता बॉस है, अर्थात क्रेता जो है वो अपनी शर्त पे वस्तुओं को परचेज कर रहा है, अपनी शर्त पे, अर्थात वहां पे क्या होंगे, विक्रेता की संख्या बहुत ज्यादा होगी, विक्रेता की संख्या क्या होगी, विक्रेता की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी, विक्रेता की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और क्रेता जो होगा वो अकेला होगा, एक होगा, और ये जो क्रेता है, खरीदने वाला है, इसके पास ये पूर्ण अधिकार है, जाएगी अधिक होगी कि कम होगी। ऐसी स्थिति में मांग से पूर्ति जो होगी वो अधिक हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सब गलत होंगे, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सब गलत होंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले सब सही होंगे। तो विक्रेताओं की जब संख्या ज्यादा है तो मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं हैं, अर्थात पूर्ति ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में विक्रेता की संख्या ज्यादा है, इट मीन्स की पूर्ति ज्यादा है, लेकिन क्रेता एक है, खरीदने वाला एक है, तो
तो ऐसी स्थिति में मांग कम होगी, पूर्ति ज्यादा होगी। जैसे जो लोग कभी मतलब जो लोग मछली खाते होंगे वो जानते होंगे कि जब आप मछली के मार्केट में जाते हैं तो वहां पे मछली बेचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप अकेले होते हैं, सब बुलाते हैं आपको, कहते हैं आइए हमारे यहाँ से, बिल्कुल ताजी है अभी, हैं कहते हैं ना, बिल्कुल ताजी है अभी आ जाओ। लेकिन आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो गुटखा खा के नहीं बेच रहा उसी से खरीदेंगे ठीक है, तो आप किसी के पास भी जाकर खरीद लेते हैं। चलिए बताइए सर, ऑप्शन नंबर कि दीर्घकाल में सभी लागतें क्या होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि दीर्घकाल में, सर देखिए एक, हाँ दीर्घकाल में क्या होती है, दीर्घकाल में फर्म के पास, दीर्घकाल की जब बात होती है तो इसका सीधा सीधी मतलब है 20 वर्ष या उससे ज्यादा के समय की बात हो रही है, और एक कोई उत्पादक फर्म है ये दीर्घकाल में अपने उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सकता है धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके पास 20 साल का समय है, तो वो पूंजी की मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकता है, वो श्रम की मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी जो है उसको और इम्प्रूव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में सभी लागतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, उत्पादन की जितने भी लागतें होती हैं सब परिवर्तनशील होती हैं। क्यों क्यों परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि फर्म के पास ये इतना समय होता है कि फर्म जो होती है वो अपने उत्पादन के सभी कारकों को परिवर्तित कर सकती है, लेकिन अल्पकाल में जो लागतें होती हैं, उत्पादन लागतें होती हैं, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है अति अल्पकाल में, तो और नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके अति अल्पकाल में फर्म के पास या अल्पकाल में फर्म के पास उतना समय नहीं होता है कि वो अपने उत्पादन के लागतों को परिवर्तित करें। तो कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों इकोनॉमिक्स का बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो चुका है, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चल रहे हैं। अगर जो आप उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अलग बैच है, उत्तराखंड मध्य प्रदेश झारखंड यूजीसी नेट जीआईसी लेक्चरर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग बैच चल रहे हैं, और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार आपके इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर जो आप बहुत दिनों बाद भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो परेशान ना होइएगा, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, एक रणनीति के तहत आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद पे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स को भी क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जब दूसरे तरफ आप नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे तो आप कॉन्सेप्ट में आगे के टॉपिक को कॉन्सेप्ट की क्लासेस से पढ़ते जाएंगे और फिर नोट्स के माध्यम से पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे, जिससे आपको कुछ भूलेगा नहीं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, समझिए कि कहाँ पे गलती कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, टेस्ट देकर के नहीं जाते। जब आप टेस्ट देते हैं तो आप समझते हैं भैया कि क्यों गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग में, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में, कहाँ पे गलती हो रही है। जहाँ भी गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आपको करंट भी कवर कराए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अलग से आपको कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है, इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं, आगामी कोई भी वैकेंसी आती है तो जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं होने वाली है, ठीक है। एडमिशन ओपन है तो देखिए दोस्तों एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है, तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं ही आपका कॉल रिसीव करता हूं, मैं ही आपके व्हाट्सएप मैसेज को रिसीव करता हूं।
सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, कल मिलते हैं दोपहर में एप्लीकेशन पे, और शाम को मिलते हैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।